हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यूपीएल शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। ओके, जानते हैं उसे इस कंपनी के बारे में करती क्या है और सब चीज़, एज वेल एज़ बताना चाहता हूँ कुछ टारगेट ब्रोकर्स ने भी दिया है, तो उन ब्रोकर्स ने उन एनालिस्ट ने क्या जो टारगेट्स दिए है वो भी जानेंगे। ओके, और क्या शेयर ऊपर जा सकता है अभी या नहीं जा सकता, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, एज वेल एज अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डीमैट अकाउंट आपका फ्री में ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि सेबी रजिस्टर्ड है। और आपको पता है सेबी रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, से भी रजिस्टर्ड है तो मतलब हमारा पैसा सेफ है। और एंजल ब्रोकिंग आपको पता ही है इंडिया की सबसे पुरानी और बहुत बेहतरीन ब्रोकरेज फर्म है, तो फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और जीरो डिलीवरी चार्ज है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है यूपीएल का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, कोई शक की बात नहीं है। एक रुपये से भी नीचे 2003 में चलता था। ओके, और अगर देखा जाए तो मल्टी बैगर रिटर्न्स इस कंपनी ने, अगर हम देखें तो लगभग 84,200% के रिटर्न्स, मल्टी बैगर रिटर्न्स इस कंपनी ने आपको बना के दिए है, इसमें कोई दो राय है नहीं। बट आपने जैसे कि देख रहे होंगे, अगर मैं 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न देख लेता हूँ, तो ये कंपनी के रिलेटेड ना कुछ न्यूज़ आई रही है, और उस न्यूज़ के बेसिस पे ये कंपनी बार बार जैसे ही पिकअप लेती है वैसे ही गिरना शुरू कर देती है। तो जैसे कि यहाँ पर कंपनी ने पिकअप लिया, ओके, यहाँ पर पहुँची, फिर एक न्यूज़ आ गई, और न्यूज़ आ गई तो कम शेयर लगभग 10 से 11-12% 15% तक ही शेयर गिर गया। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत उसके बाद उभरा भी है शेयर, ओके, बट अभी भी यहाँ पर लोग घबराए हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसी है, ओके, मैनेजमेंट ने तो उसके लिए मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल लोगों में डर बना होता है। ओके, एंड कुछ लोग का कहना है कि ये शेयर अपनी बुक वैल्यू पे आ जाता है, तो बुक वैल्यू कितनी है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न आपने देख लिया, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, इसी रेंज पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ओके, यहीं पर ही देखिए शेयर 500 जाता है, बट वहीं पर ही कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है, तो देखिए शेयर यहाँ पर गिरना शुरू हो गया। यहाँ पर भी एक न्यूज़ आ गई थी, एयरटेल रेट देखते हैं तो देखिए अभी भी 595 पे आपका 52 वीक हाई देखते हैं तो 614 का है, और वहाँ से शेयर देखिए गिरता अच्छा खासा गिरा है। ओके, और अभी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 28% की गिरावट है। तो अगर हम 1 ईयर का चार्ट पैटर्न देखिए, वो गिरावट दिख रही है, 5 डेज ईयर का देख लीजिए, ओके, शेयर ने थोड़ी बहुत जंप शुरू करी थी कि फिर न्यूज़ की वजह से गिरना शुरू कर दिया, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और कंपनी करती क्या है पहले तो इस पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम यूपीएल करती क्या है। तो यूपीएल जो कंपनी है, ओके, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड दूसरी बात ये है कि कंपनी जो ये काम करती है, ये केमिकल्स से रिलेटेड काम करती है। यहाँ पर देख लीजिए यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, ओके, फॉस्फोरस तो आपको पता ही है, तो जहाँ पर नाम में ही फॉस्फोरस आ रहा है, इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी एंड मैन्युफैक्चर एंड मार्केट एग्रोकेमिकल, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो केमिकल्स होते हैं उसमें, इंडस्ट्रियल केमिकल, इंडस्ट्री में केमिकल्स यूज होते हैं उसमें, केमिकल इंटरमीडिएट्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में भी काम करती है, एंड ऑल्सो ऑफ अ क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशन, मतलब क्रॉप जो अपनी फसलें होती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो सॉल्यूशन बनता है उसमें ये कंपनी काम करती है, ये बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी का बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस कह सकते हैं, ओके, अपनी फील्ड में डाइवर्सिफाइड। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, और अगर हम देखें तो कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। कंपनी देखिए एक बार 1995 में राइट इशू भी लाया है, स्प्लिट की बात करें 2005 में स्प्लिट भी हुआ है। बोनस की बात करें तो कंपनी ने 2 बार लास्ट ईयर ही एक बोनस दिया था 1:2 का एंड 1:1 का 2008 में, तो 2 बार बोनस भी दे दिया। डिविडेंड के मामले में कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, हर साल डिविडेंड देती आई है, देखिए 250%, 350%, 400%, 400%, 300%, तो कंपनी डिविडेंड काफ़ी बेहतरीन देती आई है। अगर कंपनी के कुछ देखा तो मार्केट आपको बताना चाहूँगा, कंपनी
मार्केट कैपिटल लार्ज कैप कंपनी है ये, ओके। एज वेल एज अगर बुक वैल्यू की बात करें, जो मैंने आपको बताया, तो काफ़ी लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अब ये शेयर अपनी बुक वैल्यू पे आ जाएगा। क्या, कितने पे? 250 के आसपास ये शेयर गिर सकता है। तो आपको काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एक बेहतरीन शेयर को खरीदने के लिए। और अगर हम पी रेशो की बात करें, तो देखिए 10 के पी पे ये शेयर चल रहा है। तो काफ़ी आपको ऐसे ही भी स्टॉक को चुनना है जो पी रेशो जिनका कम हो और जो डिविडेंड यील्ड कम से कम 1% तो देती हो। देखिए कितनी, 1.38% की इसकी डिविडेंड यील्ड है और कंपनी काफ़ी बेहतरीन है ही, मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। अगर देखिए कंपनी गुड क्वार्टर के रिजल्ट्स है, ओके, एंड हेल्दी डिविडेंड देती है। और 10 ईयर में देखिए हर साल ग्रोथ कितनी है, 16.19% की यहाँ पर ग्रोथ दिखा रहा है। तो कंपनी के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सेल्स देखिए, सबसे पहले कंपनी के जो सेल्स है हर साल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 2017 में 4,194 करोड़ की सेल्स थी, जो कि बढ़ते बढ़ते सितंबर 2020 में लगभग लगभग कह सकते हैं कि 9,000 करोड़ रुपए के यहाँ पर कंपनी ने 9,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स होती हुई दिखाई दे रही है। अगर एक्सपेंस की बात करें, तो उसी हिसाब से देखिए एक्सपेंस तो होती है, सेल्स बढ़ती है, एक्सपेंस तो उसी हिसाब से होते हैं, कंपनी में खर्चा भी होता है। तो नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर हम देख लेते हैं 5,974 के यहाँ पर नेट प्रॉफिट तक जो बढ़ते बढ़ते अच्छा खासा बढ़ा, बट बीच में यहाँ पर अप डाउंस भी है। और अभी लगभग 463 करोड़, अगर हम क्वार्टर की बात करें 617, और इस वाले क्वार्टर जून क्वार्टर की बात करें तो 551, और सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 463 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया है। तो प्रॉफिट के मामले में देखिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, आज कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है, ओके। एंड अगर ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात की जाए, तो कहाँ पर 2009 में 4,802 करोड़ रुपए के यहाँ पर सेल्स हुई थी, और अभी अगर हम देखें कि अभी TTM में अगर हम मार्च क्वार्टर में तो 35,756, और अब उसके बाद पूरे क्वार्टर की साल बात करें तो लगभग 36,805 करोड़ रुपए के यहाँ पर अभी तक सेल्स हो चुकी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी ने 2,332 करोड़ रुपए के प्रॉफिट अभी तक यहाँ पर दिखा दिए है। और बैलेंस शीट की बात करें, तो रिजर्व्स देखिए पहले कंपनी के पास, कंपनी का बहुत बेहतरीन रिजर्व्स है, जो कि 2009 में 2,500 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो बढ़ते बढ़ते अभी 18,858 करोड़ रुपए के यहाँ पर रिजर्व्स हो गए हैं। अगर बोरिंग की बात करें, तो बोरिंग कंपनी की कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, लगभग 32,364 करोड़ रुपए की बोरिंग है, ओके। एंड टोटल एसेट की बात की जाए, तो कहाँ पर 6,440 करोड़ रुपए के एसेट थे, और अभी लगभग 73,974 करोड़ रुपीज़ के एसेट यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन इसकी बैलेंस शीट हमें यहाँ पर नज़र आई है, ओके। एज वेल एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपको मैं दिखा दूँ, तो कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम देखते हैं तो लगभग 7,873 करोड़ रुपए के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, ओके। एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो कंपनी ने 6,645 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो कंपनी हर तरीके से यहाँ पर नज़र अच्छी आ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखें तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग, अच्छी तो नहीं कहेंगे, 50 से कम ही है, 27.88% की होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर के पास, ओके, यहाँ पर लगभग 37.16% की हिस्सेदारी। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पर काफ़ी बुलिश है इस कंपनी में, इस कंपनी को बिलीव करते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग कंपनीज ने यहाँ पर फॉरेन की कंपनीज ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें, तो LIC का ही हिस्सा यहाँ पर 7.84% का हिस्सेदारी है, ओके। एज वेल एज HDFC ट्रस्ट कंपनी की 1.37 है, SBI की एक 1.18 है, ओके। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का 1.35% की हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट ने भी 0.3% की, और पब्लिक ने भी यहाँ पर 18.73% की, जिसमें से JP Morgan चेस बैंक, ओके, JP Morgan ने भी देखिए शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है 8.27%। तो काफ़ी अच्छा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो कंपनी हर तरीके से परफेक्ट है, बट कुछ लोगों ने इसके जो टारगेट है वो सेट कर दिया, और कितना टारगेट सेट कर दिया है, तो इसका जो टारगेट सेट किया है 250 रुपीज़। और एलिगेशन तो आपको पता ही है क्या एलिगेशन है, विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दूं कि कंपनी के ही अंदर एक पर्सन होता है, ओके, जो कंपनी का ही होता है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है ना, जो विसल ब्लोअर है, जो यहाँ के इसके कंपनी के CEO है, उनकी वाइफ ने ही ये कंप्लेंट करी है इसके रिगार्डिंग। तो जो उनकी मैनेजमेंट है, उन्होंने ही कंप्लेंट करी है, कुछ रेंट से रिलेटेड इशू है कंपनी का, ओके, जो कि जिस वजह से ये कंपनी
आपको नजर आई है, बट ये 2000 कंपनी ने साफ कर दिया है। देखिए, ये ऑन बाय द शराफ फैमिली हाउएवर सेड द ओल्ड मैटर, ये जो मैटर है ये ओल्ड है और ऑलरेडी रिपोर्टेड टू द ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी को ऑलरेडी दे दिया। और आपको पता ही है कि इनके ऑडिटर ने अभी रिजाइन भी दिया था, तो शेयर तब भी गिरता हुआ हमें नजर आया था। अगर देखे तो देखिए, शेयर अच्छा खासा 2 दिन 3 दिन पहले भागा था, बट फिर दोबारा देखिए 11 से 15% जैसे कि मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया था गिरता हुआ हमें नजर आया था। तो कुछ ब्रोकर ने तो 250 के टारगेट्स बताए ही है जैसे कि मैंने सुने हैं, बट यहाँ पर कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे यहाँ पर टारगेट्स बताए। देखिए क्या बताया है, तो ये अगर हम देखें एल्विस सिक्योरिटीज़ की बात करें तो लगभग 615 रुपीज़ का यहाँ पर अभी भी टारगेट दे रखा है। बीओबी कैपिटल मार्केट की देखें तो इसने लगभग लगभग यहाँ पर देखिए तो इसने भी यूपीएल एस फेस मल्टीपल कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इन द पास्ट वी नो एंड रिफ्लेक्ट इन द स्टीप वैल्यूएशन, यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा कितना टारगेट इन्होंने दिया है। सॉरी, यहाँ पर इन्होंने भी देखिए बाई करने की सलाह दी है सितंबर 2021 तक, क्या कह रहे हैं कि 650 रुपये का शेयर ये पहुँच जाएगा। जीएम फाइनेंस ने भी लगभग 550 का यहाँ पर टारगेट दिया। तो अलग अलग ब्रोकरेज एनालिस्ट ने यहाँ पर अपनी बताया कि ये टारगेट है, किसी ने 650 दिया है, किसी ने 615 दिया है, किसी ने 550 दिया है, अलग अलग टारगेट दिए गए। और कुछ लोग को कह रहे हैं कि ये बुक वैल्यू पे आ जाएगा तो 250 तक भी आ सकता है, बट आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। देखिए काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आ रही है, और अगर ये कंपनी आपको गिरते हुए नज़र आती है तो आप इसमें एक्यूमुलेट शेयर करना शुरू कर दीजिएगा, ओके, जितना आप हो सके। तो ये शेयर आपको काफ़ी सस्ते में शायद मिल सकता है, और काफ़ी नीचे ये कंपनी ऑलरेडी चल रही है, 614 रुपये का इसका 52 वीक हाई था। तो एक कंपनी, एक बहुत बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी, ओके, जो जिसने आपको लगभग 84,000% के रिटर्न्स आपको बना के दिए है। तो ऐसी ही कंपनी हमें चाहिए भी, तो आप ऐसी कंपनी पे ध्यान भी रखिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस ले लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ से मैंने बनाई है। एज वेल एज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। एज वेल एज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस।